नमस्कार, मास्टर रेसिपीज में आप सभी का स्वागत। और आज फिर एक महाराष्ट्रीय खासियत, आयते। तो ये आयते जब बनाते हैं तो उसके लिए रेगुलर वे में जब हम चलते हैं तो थोड़ी सी प्रोसेस लंबी है। आज के आयते हैं इंस्टेंट वाले। आप भूख लगी, कुछ हटके खाना है, अलग खाना है, तो झटपट बनने वाले आयते बनाइए। चलिए किचन में चलते। इसमें देखिए, एक कटोरी सूजी हमने लिया, एक कटोरी चावल का आटा, दही तकरीबन एक कटोरी, लहसुन का पेस्ट आधा चम्मच, हरी मिर्च, थोड़ी सी हरी धनिया बारीक कटी हुई, हींग हम डालेंगे विष्णु जी का थोड़ा सा, और उसके साथ साथ थोड़ी सी हल्दी और पानी। पानी डालते समय इस बात का ध्यान रखें कि डोसा कैसे होता, जितना पतला डोसा होता वैसे ही होना चाहिए। इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। ये आयते ना, जब बारिश गिरती है उस समय खाने में बहुत मज़ा आती है। बारिश गिरी बाहर और धीमी धीमी ठंडी है और ये गर्मा गर्म आयते हैं, बहुत मज़ा आता। सूजी की कोई जब हम रेसिपी बनाते, एक बहुत अच्छी टिप है, उस समय एक बात का ध्यान रखें कि पानी डालने के बाद 7 से 8 मिनट उस मिश्रण को ऐसे रखें ताकि सूजी उसको चाहे जितना पानी सोख ले, और फिर कंसिस्टेंसी हमें जितनी चाहिए उस हिसाब से पानी डालिए तो रेसिपी आपकी अच्छी बनेगी। और जिस हिसाब से हमें जितना बड़ा साइज चाहिए आयते का, उस हिसाब से हम आयता बनाएंगे। तो ये थे आयते। और आपने देखा होगा कि खाते समय ना चटनी की ज़रूरत, ना सॉस की ज़रूरत, ना अचार की ज़रूरत। ऐसी ही कुछ रेसिपीज चाहिए कि जिसको कोई अकम्पनी न लगे, ऐसे ही खाओ अच्छी लगेगी। ऐसी कुछ कुछ रेसिपीज बनाइए और बनाने के बाद देखिए हमारी याद आती है क्या। और बनाने के बाद एक काम ज़रूर करना, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करना रेसिपी, और मज़े करो। दैट्स इट, थैंक यू।